इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए यंग पॉइंट सीएफएम हमारा थंब रूल है, लेकिन ये एक थंब रूल है, इसका डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन सुपरवाइजर शेड के अंदर जाके करना है, ठीक है ना। उसको प्लस भी कर सकता है, उसको माइनस भी कर सकता है। प्लस कैसे करेगा, अंदर जाके उसको सफोकेशन महसूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुनिया महसूस होती है और वो उसको प्लस कर दे रहा है। और ये भी है कि कभी जाए अंदर डस्ट ज़्यादा हो रही है तभी कम कर लेता है, बाकी सब चीज़ें डस्ट हो रही है। सर्दियों में भी अभी मैं आपको चार्ट बताऊंगा, हमने जिस चीज़ पे हमारी कंटेंट फार्म में जिसको हम फोकस करते हैं, जनरल लोग कहते हैं यार कि चूजा छोटा है ज़्यादा पंखे चलाए नहीं, ये नहीं। अभी देखिए हर हफ्ते आपका हर हफ्ते में एक एक पंखा ऐड होना चाहिए, एक तो आपका टेम्परेचर बेस पे लगा हो। मेरे ख्याल काफ़ी जगह पे मैंने देखा किसी जगह पे ये नहीं है आम, भाई आपने अगर 32 रखे हुए टेम्परेचर तो आपका 32.5 पे ऑन होना चाहिए, 32.2 पे ऑन हो जाना चाहिए टेम्परेचर बेस, ठीक है ना। ये लाजमी होना चाहिए आप जितने भी आपके वहाँ पे पंखे लगे हुए आप उस काम करते हो टाइमर पे, आप जो एक पंखा आपको टाइमर पे चले और टाइमर पे भी उधर वेंटिलेशन जो आप वेंटिलेशन क्यों देते हैं क्वेश्चन, इसलिए देते हैं भाई साहब वेंटिलेशन का मकसद है जानवर को फ्रेश हवा मिले, जो अंदर शेड में गैसें होती हैं वो बुरी होती है, जो बैठा हुआ होता है पंखे खींच के फ्रेश हवा निकाल देता है। छोटा जानवर होता है, छोटा चूजा होता है, उसको कम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमारा 10-20 सेकंड पंखे चलता है, वो किस वजह से चलता है कि छोटा चूजा है, वेट कम है उसका, जिस तरह वेट में इंक्रीज करता जाता है वेंटिलेशन भी इसी तरह इंक्रीज होना है।